7 बाई 6 दी तो उसकी रेशियो क्या आगी 51 बाई 7 तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 इजीली समझ आ चुका, इसमें कोई कंफ्यूज। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Mohan Fizan and the topic is variation chapter number 3 exercise 3.1. ठीक है, और जो क्वेश्चन आज हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम हर वीडियो के अलग अलग वीडियो इस वजह से, हर क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो इस वजह से बना रहे हैं कि जो क्वेश्चन जो टॉपिक आप लोगों को चाहिए वो इजीली मिल सके। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़े वो क्या करेंगे, इफ ए रेशो बी equals to 7:6, find the value of a3a plus 5b ratio 7b minus 5b। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है इस चीज की वैल्यू, ठीक है, हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 3a plus 5b ratio 7b minus 5a। लेकिन हमें जो वैल्यू दी गई है वो है a ratio b divided by 7:6, मतलब a divided by 6। रेशो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेशो हमारे पास बराबर होता है डिवाइड के, तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 6, मतलब हमें हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो a डिवाइडेड बाय b है, और जो चीज फाइंड करने को बोले वो है 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 7b माइनस 5a। ये चीज हमने फाइंड करनी है और हमारे पास वैल्यू किसकी, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास यहां पे तो a डिवाइडेड बाय b कहां पे है भी नहीं, हम इसमें क्या करेंगे कि हमें a डिवाइडेड बाय b को बनाना है। लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ कि डिवाइडेड बाय b कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन के साथ, मतलब कि 3a डिवाइडेड बाय प्लस b, या तो रेशो के साथ लिख ले ताकि डिवाइड इजी हो सके। सही है, तो रेशो में मैं इसको लिख लूंगा, रेशो में लिखा ये डिवाइड में मतलब एक ही है, तो 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन के साथ डिवाइडिंग बाय b, ठीक है, b के साथ हमने इसको डिवाइड कर लेना, a के साथ कर लिया b के साथ वो आप पे डिपेंड करता है, a के साथ इस वजह से नहीं करते क्योंकि a डिवाइड बाय a तो 1 हो जाएगा लेकिन b डिवाइडेड बाय a उलट वैल्यू होगी तो उलट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए b के साथ डिवाइड करूंगा तो a डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। सही है, यहां पे तो मैं इस टोटल वैल्यू के साथ b को डिवाइड करूंगा और इस टोटल वैल्यू को b के साथ डिवाइड करूंगा, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ क्योंकि b दोनों के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, तो 3 आ जाएगा प्लस 5b डिवाइडेड बाय b और यहां पे रेशियो 7 बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, माइनस 5a डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन है, बी और बी और बी और बी कैंसिल, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो है 3, ठीक है, a डिवाइडेड बाई बी और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास प्लस 5, सिर्फ 5 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, और रेशो में डिवाइड 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7 अकेला रह गया, ठीक है, माइनस 5 a डिवाइडेड बाय b। अब a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 और 6, हमने a डिवाइडेड बाय b बना लिया 7 और 6, अब हम इसमें जस्ट सिर्फ 7 और 6 पुट कर देंगे, 7 और 6 आ जाएगा प्लस 5 रेशियो 7 माइनस 7 और 6 5, सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहां पे आ जाएगा 5 7 बाय 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस सिंपल सिंपलीफिकेशन ऐसे करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो 3 7 का 21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5, ठीक है, रेशियो 7 उसी तरह माइनस, और उससे पहले एक स्टेप और करना है, वो स्टेप ये है, मैं सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, वो ये है कि मैंने ये चीज नोट नहीं की कि 3 1 का 3 एंड 3 2 का, तो यहां पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 रेशियो यहां पे 7 माइनस, अब 5 आ जाएगा तो 35 डिवाइडेड बाय 6, सही है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पे, और रेशियो हमारे पास नई चीज जो आएगी वो है यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 6 एलसीएम 6 खत्म हो गया यहाँ पे, तो 42 माइनस 35, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2 रेशियो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 बाय 6, सही है। अब रेशियो की बात आ गई है तो रेशियो को हमने क्या बोला था कि डिवाइड, मतलब रेशियो मीन डिवाइड, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप, 7 डिवाइड बाई 2 रेशो 7 डिवाइड बाई 6, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इसके बाद डिवाइड 7 डिवाइड बाई 6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यह 6 डिवाइडेड बाई 7 की वैल्यू उलट हो जाती है, ठीक है, 2 1 और 3, ठीक है, आई होप यहां तक आपको, सॉरी 17 है, 17 है, ये 17 है, ठीक है, 17 था, ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 51 आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो 51 डिवाइड बाई 7 जो हमारे पास है वो इसकी वैल्यू आ गई है, तो 51 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया है वो है 51 डिवाइडेड बाई 7। तो हमने जस्ट क्या किया कि इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर ली और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसका आंसर निकाल लिया।
यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे दोबारा से रहेगा रेशो सेवन, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि वो कह रहा है कि इफ ए रेशो बी इक्वल टू सेवन रेशो सिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड। अब हमारे पास इसमें ए प्लस बी है, ए डिवाइडेड बाई बी नहीं है, तो ए डिवाइडेड बाई बी हमारे पास इक्वल उन्होंने जो वैल्यू दी वो ए डिवाइडेड बाई बी है, मतलब हमें ये वैल्यू दी है और फाइंड इस चीज़ की वैल्यू करनी है। तो साथ साथ तो ये चलता रहा है, ठीक है, हमने इसको सिंपलीफाई करते रहे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इसी इक्वेशन को उठाया, ये देखिए हमने ये इक्वेशन पिक की, हमने उसको डिवाइड किया बी के साथ दोनों साइड, ठीक है, बी के साथ डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू दोनों के साथ डिवाइड होगी, इधर भी इधर, तो ए डिवाइड बाई बी अगर बी डिवाइड बाई बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी डिवाइड बाई बी कैंसिल और ए डिवाइड बाई बी, इसी तरह आगे भी मैंने किया। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम पहले कैंसिलेशन हुई, कैंसिलेशन के बाद ये मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा था वो टू था, टू का एलसीएम आने के बाद मैंने क्या किया सिंपल इसमें दोनों साइड रेशो का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, रेशो मीन डिवाइड, तो मैंने डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद कैंसिलेशन हो गई, तो हमारे पास जो न्यू रेशो आ रही थी वो 51:7 थी, ठीक है, हमारे पास जो ए बी की रेशो 7:6 थी तो उसकी रेशो क्या आ गई 51:7, तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 ईजिली समझ आ चुके होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ही ईजी चैप्टर था चैप्टर नंबर 3। और अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन वो मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि पार्ट्स सेम एज इट इज होते हैं, तो उसके पार्ट्स भी आप लोग लाजमी देखना। और आई उसका बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरे कर दिए थे, अब थोड़ा सा वॉच टाइम रहते वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसके लिए आप सबका थैंक यू वेरी मच। आई होप टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस भी इजीली समझ आ रहे होंगे, जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही होगी आप प्लीज़ कमेंट में बताया करें, कुछ हमें मुझे मेल आते रहते हैं उनका भी थैंक, जो बहुत अच्छा करते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस किया करें, ठीक है, कमेंट में मैसेज में, तो उसके में तो आपको कोई नहीं जाता तो मैसेज किया करें। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास टोटल पार्ट्स 5 पार्ट्स हैं, 10 के हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं और 11 के 5 पार्ट्स हैं, तो हम उसकी भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन की समझ आएगी, क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 की होगी, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।